नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न पहला हम करने जा रहे हैं। बच्चों, आशा करता हूं इस वीडियो से पहले आपने त्रिकोणमिति पर हमारा जो बेसिक एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है वह अवश्य देखा होगा, क्योंकि उसी से ही आप त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों के बारे में जान पाएंगे और इस प्रश्नावली को अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। उसके बाद ये प्रश्न हमने करना है। देखिए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एबी बराबर है 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण है। तो हम इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं सी। तो देखिए, ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर, यानी ये ए बी है 24 सेंटीमीटर के बराबर, और बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर, यानी बी सी है 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें अभी इस समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी हैं और ये एक समकोण है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इसकी सबसे पहले तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखिए, होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, यानी कि एसी हमें नहीं पता, तो एसी का स्क्वायर बराबर बेस, बेस है 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 24 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। तो देखिए, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का जो स्क्वायर होता है वह होता है 576, वह होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से एसी का स्क्वायर आ गया, 49 में 576 प्लस करेंगे बच्चों तो हमें प्राप्त होगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। एसी का होल स्क्वायर बराबर है 625, जो है वह 25 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर के बराबर है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एसी आ गया 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है जो तीसरी भुजा है यह हो गई 25 सेंटीमीटर। अब बच्चों, हमें इसका प्रथम भाग हल करना है, तो आइए हम इसका प्रथम भाग हल करते हैं। प्रथम भाग है साइन ए की मान हमें निकालना है और कॉस ए का मान हमें निकालना है। तो देखिए, साइन ए, साइन ऑफ ए, बच्चों याद रखना जो कोण दिया गया है वह आधार के साथ नीचे होना चाहिए। अभी हमारे पास नीचे है कोण सी, हमें चाहिए कोण ए नीचे। तो हम इसी त्रिभुज को एक बार दोबारा बनाएंगे। देखिए ध्यान से, इसमें फिर से बी समकोण होगा, अब ए इस तरफ ले लेंगे और सी ऊपर ले लेंगे। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, शुरू में दिया गया था ए बी है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी है 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर, तो बी सी है 7 सेंटीमीटर, ए सी अभी हमने निकाला 25 सेंटीमीटर। बच्चों फर्क क्या पड़ा, यदि ए को, साइन ए का मतलब है ए जो है यह थीटा जो है यह नीचे होना चाहिए आधार के साथ, इसलिए ए को हमने इस प्रकार से लिखा, ए नीचे और सी ऊपर। उससे क्या होगा कि जो बेस था 24 सेंटीमीटर, अब परपेंडिकुलर था 24 सेंटीमीटर, अब वो है बेस बन गया है। तो साइन ए का फार्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के हिसाब से साइन ए का फार्मूला था पी अपॉन एच। तो देखिए, अब यदि ए यहां पर है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कितना है 7 सेंटीमीटर, बटा एच कितना है बच्चों, एच ये है हाइपोटेन्यूज, यानी कि 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। तो साइन ए का मान हमें प्राप्त होगा 7/25। इसी प्रकार से हमें निकालना है कॉस ए, तो आइए अब हम कॉस ए निकालते हैं। तो बच्चों, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपको कुछ फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो देखिए बेस कितना है, ए नीचे ही होना चाहिए बच्चों, उसके हिसाब से हम ये वाली फिगर लेंगे, ये नहीं लेंगे।
कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है देखिए 24 सेंटीमीटर, बटा हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो 24 बटा 25, इसका मतलब कॉस ए का मान आ गया है 24 बटा 25। तो ये हमने प्रथम भाग में दो मान ज्ञात करने थे, साइन ए और कॉस ए, ये हमने दोनों मान ज्ञात कर दिए हैं। अब बच्चों अब हम निकालेंगे इसका दूसरा भाग। देखिए दूसरे भाग में हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी, तो आइए देखें। सबसे पहले साइन सी, अब बच्चों साइन ऑफ सी लेना है तो सी नीचे होना चाहिए, तो ये फिगर लेंगे कि ये लेंगे, सोचिए सी किसमें नीचे है, सी इसमें नीचे है आधार के साथ, इसलिए हम यह वाली फिगर लेंगे। तो साइन सी बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, और साइन सी वाली फिगर में जिसमें सी आधार के साथ है, सी न्यून कोण है, उसमें देखिए परपेंडिकुलर कितना है, ये है परपेंडिकुलर जो कि है 24 सेंटीमीटर बटा हाइपोटेन्यूज, ये है हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है, हमने ज्ञात किया था पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हाइपोटेन्यूज है 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो साइन सी का मान कितना आ गया है 24 बटा 25। इसी प्रकार से अब हमने निकालना है, देखिए प्रश्न में है कॉस सी, तो हम कॉस सी निकाल देते हैं। कॉस का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब देखिए ये सी वाली फिगर में बेस कितना है, ये आपको दिया हुआ है बेस है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना है हमने निकाला था 25 सेंटीमीटर, तो बेस है 7 सेंटीमीटर बटा हाइपोटेन्यूज है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो इससे कॉस सी का मान आ गया ऊपर है 7 बटा नीचे है 25। तो देखा आपने, हमने साइन सी का मान भी निकाला और कॉस सी का मान भी निकाल दिया है। अब बच्चों आप सोचोगे इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें हमने दो फिगर्स क्यों बनाई, देखिए हमसे कहा गया था पहले में साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए, इसलिए हमें आधार के साथ ए चाहिए था, इसलिए हमने अपनी फिगर को चेंज करके ए नीचे लिखा है। उसके बाद दूसरी बार हमसे पूछा गया साइन ऑफ सी और कॉस ऑफ सी, इसका मतलब आधार के साथ सी कौन होना चाहिए, इसीलिए हमने फिगर को घुमाकर इस प्रकार से लिखा, और हमने ये चार वैल्यूज हमें बतानी थी, चारों की चारों हमने ज्ञात कर दी है। आशा करता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों के भी इजीली सरलता से समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी वीडियोस को भी अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।